का फूड कनेक्शन में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई फ्रूटी फ्रूटी बन। ये बनाना बहुत इजी है, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बटरी होते हैं, थोड़े मीठे होते हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी फ्रूट बन को बनाना। इन बंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, उसमें हल्का गर्म दूध लें, साथ ही में हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है, और साथ ही में इसको और भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे और वनीला एसेंस डालेंगे। यदि आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर वनीला एसेंस और टूटी फ्रूटी जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें एक चम्मच हम इंस्टेंट एक्टिव ड्राई यीस्ट डालेंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्वीट टूटी फ्रूटी बन बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें बटर जैम के साथ एंजॉय किया जाता है और इन्हें हम ओवन और प्रेशर कुकर दोनों में बनाएंगे। तो इस रेसिपी को ध्यान से देखिए। सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने एकदम एंड में दिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 225 ग्राम के करीब मैदा डाल रही हूँ और आधा कप के करीब मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल दूँगी। थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक आटा लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें सॉफ्ट और काफ़ी स्टिकी आटा लगा रहे हैं, क्योंकि स्टिकी आटा लगाएंगे तो हमारे बन बहुत ही बढ़िया मॉइस्ट बनते हैं। तो इस तरह से आटा लगाने के लिए हम यहाँ पे हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो सभी मेजरमेंट्स मैंने वीडियो के एकदम एंड में दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए, आप ज़रूर चेक करें ताकि अपने परफेक्ट आपके भी इस तरह के बन बन सकें। तो पानी धीरे धीरे ही डालें क्योंकि मैदा पानी कम एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा पानी डालने से मेजरमेंट्स बिगड़ सकते हैं और बन प्रॉपर शेप में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर काफ़ी स्टिकी आटा लगाना है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी है। और अब हमें इन्हें काफ़ी अच्छे से मलना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और उसके बाद में हम इसे खूब अच्छे से गूंधेंगे ताकि एकदम चिकना हो जाए। लेकिन ध्यान रखें, हमें इसमें ड्राई मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ हम सभी चीज़ें मिला चुके हैं। अब बटर को डालकर आप इसे अच्छे से नीट करेंगे। आप चाहें तो ये मेथड स्लैब पर यानी प्लेटफॉर्म पर किसी मार्बल के किसी पे भी शीट बड़ी जो बोर्ड है उस पर कर सकते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए और अच्छे से आपका ये आटा लग सके। मैं काफ़ी बार ब्रेड का आटा किस तरह से लगाया जाता है मैं बता चुकी हूँ, तो आप उसके लिए मेरी और भी दूसरी ब्रेड की रेसिपीज देख सकते हैं। तो इसे लगातार इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक हम गूंधेंगे और अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे। गूंधते जाएँ, चिकना बहुत जल्दी हो जाता है और इस तरह से हमारा जो ये होता है इसे ग्लूटेन डेवलप होता है और बहुत ही अच्छे से हमारी ब्रेड बनकर आती है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा स्टिकी है लेकिन अभी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर चारों तरफ अच्छे से इस पर बटर लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बटर बन के होते हैं, मुस्का बन जिसे कहते हैं, और हल्के स्वीट होते हैं। खाने में ब्रेड से एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। सब तरफ अच्छे से बटर लगा लेंगे। बोल को भी अच्छे से हम बटर से ग्रीस कर लेंगे और इसे ढक कर हम करीब 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि अच्छे से साइज़ में डबल हो जाए। तो 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। वाओ, काफ़ी अच्छे से ये साइज़ में डबल हो चुका है। अब हम इसमें पंच से इसकी सभी हवा निकालेंगे और इसे वापस से एक बार इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से हम इसे वापस से शेप देंगे। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके 4 से 5 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। जिस साइज़ के भी आपको बन चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप इसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक के स्क्रैपर की हेल्प से इसको डिवाइड करूँगी 4 पोर्शन में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो इन्हें अच्छे से अंदर की तरफ टक करें ताकि जो भी इसमें क्रैक्स है वह नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर से हमारा एकदम चिकना बॉल हमें मिल जाए। तो इस तरह से हम इसे एक राउंड शेप देंगे। आप हाथों को इसे चिकना कर लें इसे बॉल बनाने से पहले ताकि एकदम बढ़िया और परफेक्ट बने। अब हम इसे प्रेशर कुकर में बेक करेंगे। उसके लिए मैं छोटी प्लेट ली है, नीचे पार्चमेंट पेपर लगाया है क्योंकि प्रेशर कुकर में नीचे से हीट आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नीचे पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फूटी लगा देंगे ताकि खूबसूरत है, अंदर से टेस्ट आए ऊपर से भी खूबसूरत लगे। और बाकी के 3 बचे हुए जो बॉल्स हैं उनसे भी हम बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल्स जितने चिकने होंगे उतने बढ़िया बेक होंगे और खूबसूरत होंगे। तो हाथों को अवश्य आप घी या बटर से चिकना कर लें। तो मैंने इन 3 बन को यहाँ पर एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रख दिया है, बेकिंग ट्रे में, और इसे हमने प्रेशर कुकर के रख दिया है। अब हम इसे ढकेंगे और करीब 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से राइज होने देंगे। तो 20 मिनट आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से साइज इनका बड़ा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे अच्छा से ऊपर टॉप पे कलर लाने के लिए बटर और मिल्क को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे हम इस पर वॉश करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया
डार्क ब्राउन कलर आता है, यदि आप यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर चाहते हैं तो ओनली मिल्क से ही आप यहाँ पे मिल्क वॉश करें, पर मुझे इसका थोड़ा डार्क और क्रस्टी जो ऊपर टॉप है वो पसंद है, तो मैं यहाँ पे बटर भी डाल रही हूँ। तो खूब अच्छे से इसे जेंटली अच्छे से ब्रश कर लें ताकि अच्छे से लग जाए और काफ़ी अच्छा कलर आए। मार्केट में जो बन मिलते हैं बेकरी में, वे लोग यहाँ पर एग वॉश लगाते हैं और हम यहाँ पे आज का रिप्लेसमेंट बटर और मिल्क कर रहे हैं। अब हम प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम पे गर्म कर लेंगे, उसके बाद में इस बन को बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ओवन के लिए हम इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पर करीब 20 मिनट्स के लिए इन्हें बेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया और अच्छे से बेक होकर आएंगे हमारे जब अभी निकलेंगे तो 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि किस तरह के हमारी ये बंस बनकर आए हैं। तो 20 मिनट के बाद में हम यहाँ पर ओवन को खोल रहे हैं। वाओ, कितना बढ़िया कलर आया है, डार्क ब्राउन जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल बढ़िया कलर आया है। यदि आप थोड़ा लाइट चाहते हैं कलर तो आप थोड़ा सा इसका टाइम कम कर दें। और प्रेशर कुकर का बन भी हमारा अच्छे से बन चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका और बहुत बढ़िया सॉफ्ट बने हैं दोनों बंस। को बाहर निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में और टॉप में बहुत ही अच्छा कलर आया है, क्योंकि इसके अंदर शुगर है तो ये काफ़ी अच्छे से इनका कलर ब्राउन है। और हमने इसमें बटर भी डाला है, एकदम सॉफ्ट बने हैं और अभी काफ़ी गर्म है, ठंडा होने के बाद में काफ़ी स्पॉन्जी हो जाएंगे। और ये हमारा प्रेशर कुकर वाला भी एकदम बनकर तैयार है। तो इस तरह से यदि आपके पास ओवन नहीं है तब भी आप आसानी से घर पर ये स्वीट बंस बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स, देखते ही आ रहा है ना मुँह में पानी। अब हम इन्हें गर्मा गर्म ही बटर से ग्रीस कर देंगे। ऐसा करने से इनकी जो ऊपर की सरफेस है वह थोड़ी सी शाइनी हो जाएगी और साथ ही ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगे, इनके ड्राई नहीं होंगे क्योंकि ये बटर इनके ऊपर अच्छे से ग्रीस होगा तो ये इन्हें ड्राई होने से बचाएगा। और अच्छे से ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद मैं आपको कट बताती हूँ कि कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। इन्हें बंस को करीब 2 घंटा होता है लगता है ठंडा होने में, उसके बाद ही आप इन्हें कट करें। वाओ, बहुत ही बढ़िया जाली आई है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे स्वीट बंस बनकर तैयार हुए हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो इन्हें आप ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें और किस तरह की रेसिपीज़ आपको हमसे चाहिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।